हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आज हम लोग निकल पड़े हैं बाटू केव्स के लिए। जी हाँ, आज हम लोग बाटू केव्स जा रहे हैं और आज वेदर भी बहुत सनी सनी है एकदम, और बहुत गर्मी भी बहुत है यहाँ पर। तो हम लोग बाटू केव्स जा रहे हैं ग्रैब टैक्सी में। आप लोग चाहे तो बस या फिर ट्रेन में भी आ सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे आना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे अगर पता हो तो मैं ज़रूर आप लोगों को आंसर दूँगी। हम लोग ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। ये दिख रहा है, ये बाटू केव्स का जो पहाड़ ये सब दिख रहा है, और काफ़ी अच्छा व्यू है, पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा है कि ये एक बेस्ट ऑप्शन है फ़ोटोशूट के लिए। तो आप लोग अगर फ़ोटोशूट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़ोटोशूट कर सकते हैं। रास्ते में बहुत जैम है क्योंकि यहाँ पर ये एक टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो जैम है रास्ते में, तो थोड़ा ग्रैब थोड़ा सा रुका हुआ है और इवान अभी देख रहा है कि कैसे बदमाशी करना है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं एंट्रेंस में। तो देख रहे हैं कि एक मेला जैसा लगा हुआ है, बहुत सारे शॉप्स यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं। দেখবে রেস্টুরেন্ট तो यहाँ पर बहुत सारे हिंदू मंदिर है। तो आप लोग अगर पूजा देना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये मंदिर के बाहर बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल्स लगा हुआ है। यहाँ पर जो पूजा का सामान, फूल माला ये सब कुछ मिल जाता है, तो आप लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं, लेकिन शायद प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो ये सामने जो स्टैचू दिख रहा है गोल्डन कलर का, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ऊंचा है। 47 मीटर का ये स्टैचू है, ये लॉर्ड मुर्गन जी का ये स्टैचू है। सॉरी अगर मैंने थोड़ा भी उनका नाम गलत से प्रोनाउंसिएशन किया है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये मंदिर है उसके पास ही, और बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी है खाने का, और यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स भी हैं। यहाँ से आप लोग बहुत सारे मूर्ति या फिर कुछ भी घर का जो सजाने का जो सामान होता है वो सब कुछ मिल जाता है। और मेमेंटो के हिसाब से अगर आप लोग कुछ ले जाना चाहते हैं, जो लॉर्ड मुर्गन जी का जो छोटा छोटा जो मूर्ति होता है वो सब कुछ ले जा सकते हैं। और ये स्टैचू के पास ही 272 स्टेप्स है जो ये केव के अंदर जाता है, और बहुत ऊंचा है ये। तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि इवान अभी बहुत छोटा है, उसको लेके पॉसिबल नहीं है ऊपर जाना अभी। और सुना है कि ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा आता है, तो आप लोग अगर जाते हैं तो प्लीज़ ज़रूर यहाँ पर जाइएगा।
और मंदिर का जो डिज़ाइन है, जो आर्किटेक्चर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इतना कलरफुल है, सब भगवान के यहाँ पर स्टैचूज हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम लोग अभी जाएंगे मंदिर में, तो थोड़ा सा बाहर हम लोग घूम लेते हैं। और इवान अभी जो ये पंच कबूतर के साथ अभी इंजॉय कर रहा है, यहाँ पर बाकी सारे बहुत ही बच्चे हैं जो ये कबूतर को ऐसे पकड़ने जा रहा है। तो इवान भी बहुत इसको देख के बहुत ही इंजॉय कर रहा है। কেমন করে নাম নাম করছে বার্ডগুলো? तो मंदिर के ये बाहर का सब डिज़ाइन है, बहुत कलरफुल है, बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, पहले आप लोगों को ये मैं दिखा देती हूँ। तो बाटू केव्स के अंदर बहुत सारे मंदिर है, तो ये जो मंदिर है ये एकदम बाटू के जो एकदम सामने ही है, तो वही मंदिर में हम लोग जा रहे हैं। तो ये मंदिर का एंट्रेंस है। तो ये मंदिर का गेट है जो वुडन वर्क किया हुआ है, और बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है देखने में, देखिए आप लोग भी। और सब यहाँ पर भगवान जी हैं यहाँ पर। आप लोग देखते रहिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग में इसका दूसरा पार्ट, बहुत ही अच्छा है, प्लीज़ देखिएगा। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।